तो आज एक नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है और इस बार जो जानी है वो सिंगल को जानी नहीं है कि जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ से वापस चले आऊँ, एक सीरीज का जानी होने वाला है। यहाँ से मैं आज पटना के लिए रवाना हो रहा हूँ, जैसे जैसे आगे जाऊँगा आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज जो मेरा बस जानी है वो है बंगाल टाइगर बस से, एक ऐसी बस, और इसका डिपार्चर यहाँ से दिया गया शाम को 7 बजे और पटना पहुँचने का टाइम दिया है सुबह को 9:30 बजे है। AC 2x1 का जो सीट लेआउट है इस बस का, तो बाबूघाट यहीं से छोड़ेगा। यहाँ से आप अंदर घुसोगे बाबूघाट बस स्टैंड के अंदर, इधर आपको वॉल्वो बसेस मिलेगा आगे का AC वॉल्वो वगैरह जो प्राइवेट ऑपरेटर होती है बहुत सारा। लेकिन इधर जो लोकल बसेस है आप देख रहे हो नीला रंग का, लेकिन मैं इस तरफ जाऊंगा, मेरा जो पास है इधर से रिपोर्ट करने वाला है। तो बड़ा बस स्टैंड कोलकाता का जो 3 बस स्टॉप है, मतलब बस टर्मिनल है जहाँ पर बस छूटता है या आके टर्मिनेट होता है, एक दत्ता प्लानेट और दूसरा है बाबूगढ़, ठीक है, और तीसरा आपको जो है वो करीनामई IBT, इसको इंटरनेशनल बोला जाता है क्योंकि बांग्लादेश का बस उधर खुलता था, अब भी खुलता है, बीच में बंद था बहुत वक्त के लिए कोविड वगैरह उसके लिए। तो देखिए आज कौन सा बस मिलने वाला है, ऐसी बस है नया वाला या पुराना वाला कौन सा दिया है, देखते आगे जाए। तो नॉन AC बस है बंगाल टाइगर का और सामने वाला जो है AC है, शायद वही वाला बस मेरा होगा आज का, दूसरा बंगाल टाइगर कई बस है। और बस के बिल्कुल बाजू का काउंटर हम देख सकते हो, अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं किए हो तो ये टिकट कर सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन आप टिकट कर सकते हो। रेल बस से मेक माई ट्रिप पे अलग अलग किराया लेता है वो अपने हिसाब से, जो अपने हिसाब से जो हिसाब बैठाता है तो उनका अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो अंदर चार्जिंग वगैरह क्या है क्या नहीं, अभी तक मैं अंदर घुसा नहीं हूँ, अंदर जाकर दूंगा। मेरा जो किराया पड़ा है वो 1260 रुपये है टैक्स लेकर इस बस के लिए पटना तक, और एंडिंग शब्द जो लिखा गया है मैं टिकट में पाटलिपुत्र वास्तव में पूछूंगा कि पटना वहाँ पर जाती हुई एक्सैक्टली पटना तक घुसता है कि नहीं, उसके ऊपर से जाते हैं नहीं पूछता हूँ, अगर होता है तो मेरे लिए वो ज़्यादा सुविधा होगा। ये कार्टन जो देखा है अभी ऊपर वाला ऐसे है, नीचे का पता नहीं देता हूँ, ये का बैक रेस्ट है और वाटर बोटल रखने की जगह है, ये AC का, ये एक AC का है
और ये शायद रीडिंग में लाइक वगैरह कुछ हुआ लेना होगा क्या है। ये चार्जिंग के लिए है ठीक है, और ये आपका मोबाइल रखने की जगह है, हालांकि इधर रख नहीं सकते। और ये विंडोज व्यू है चौक ठीक है, तो लैडर सिस्टम आएगा दिखाता हूँ। ब्लैंकेट्स, पिलो, क्लॉक और सीसीटीवी। सीसीटीवी डिपार्टिंग बाबूघाट 7:05। ब्रेक मारता है ना आपका होता है पटना पटने पुत्र जाए ना ट्रेन बेडशीट्स कुनी एरिया। सो अब तक मैक्सिमम 70 के स्पीड दिया है, थोड़ा सा जैम लगा है। टोल प्लाजा घुस रहा है अभी, बाहर का देखते हैं। समय है अभी 8:11। पास रुका है टॉयलेट ब्रेक के लिए, तो लोकेशन यही है। टाइम है 8:21, 7 बजे खुला था, 7:05 ही खुला था एक्चुअली। बीच में रास्ते में एतियाना जो होता है, एतियाना को बाटक मारा था, एतियाना का स्लीपर बस अल्लाह के लिए उसको मैं ले नहीं पाया था, लेकिन कई बाजू में देखा था तो उसको बटक मारते हुए। टाइम 9:06 है।
भोपाल सी टूल प्लाजा, रात 9:15। पारसी स्टेशन जो है वो इस साइड को पड़ेगा, उस साइड से देखा जाता है, थोड़ा आगे जाके होता है, उसको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उस साइड का पैसेंजर है। तो रात 9:29। अभी आ रही है दुर्गापुर बांसको पटोल प्लाजा,
दुर्गापुर बांसको ऑटो प्लस टाइम 10:35। रात 10:55 ऑंडल मोड बस स्टैंड एरिया Land of this so अभी हम बड़ाकर ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। टाइम है 11:40 और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद झारखंड घुस जाएगी बंगाल छोड़कर।
ट्रेन घुस के टाइम रात 11:44 हमारे पास का स्टफ सिंदरी धानबाद मेन रोड NH19 AH1 सारा बस खड़ा हो गया इधर कोई स्टॉपेज है डिनर ब्रेक है लोकेशन आपको दिखा दिए ये है लोकेशन ठीक है तो अभी अंदर जाऊंगा और थोड़ा खाना पीना होगा तो उसके बाद शायद सीधा पटने को पहुँचेगा देखते हैं केबिन व्यू लेने की कोशिश करूँगा अगर परमिशन मिले तो दो रोटी दो चक्कर के अफ्तार का 60 रुपए 80 रुपए का बिल
अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बस है उसका टायर पंचर हुआ है, तो टायर बदल रहा है। रेस ही थोड़ा सा लेट था और लेट हो रहा है, पता नहीं कितने बजे पहुँचेगा, 9:30 बजे का टाइम है, तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसे क्या होता है। सेकेंड टॉयलेट ब्रेक, तकरीबन 55 मिनट के बाद हम निकले उस स्पॉट से जहाँ पर टॉयलेट बंद हुआ था। एक्चुअली टायर का इशू आया था, उस टायर का कुछ काम चोरी इशू आया था, तो उसको ठीक करने के बाद हम वापस अब निकले। तो अभी टाइम हुआ है 4:30,
हमारा मत बनाइएगा, हमारा नहीं बनाइएगा, कंडक्टर साहब को जरूरी बनाइएगा, उनको थोड़ा स्टार बना दीजिए। तो ये मेरा बस जो पहुंच गया सुबह 9:48 ऐसे, न्यू बस स्टैंड पटना। मेरी बाजू का इलाका है जो डेगर का 2x2 स्लीपर कोच नॉन एसी और ये एसी मेरा वाला। तो जितना भी लेट हुआ इसलिए क्योंकि बीच रास्ता में टायर पंक्चर हो गया था, तो 1 घंटे का वही उतना ही टाइम निकल गया था, वरना और आगे पहुंच जाते। तो लोकेशन यही है, लोकेशन एक बार फिर भी मैं आपको नीचे लिख के भेज रहा हूँ, तो आइकन है उसके नीचे देखिए। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही है कि अभी मुझे गांधी मैदान के आसपास जाना है, क्योंकि मेरा अगला बस गांधी मैदान से होगा, कौन सा बस से हुआ अगले ब्लॉग में देखेंगे। हालांकि जानी आज नहीं है, जानी कल है, लेकिन मैं वहीं के आसपास का कोई होटल लेने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे लिए थोड़ा सुविधा हो। तो बस इतना ही है, और फ्रंट व्यू तो स्लीपर बस में लेना थोड़ा मुश्किल है, सब लोग जानते हैं क्योंकि केबिन वाले इशू होती है, प्रॉब्लम की जरूरत होती है। उन्हें परमिशन दिया था लेकिन रात को मैं गया नहीं, सुबह आज थोड़ी देर के लिए केबिन भी ले पाया, ज़्यादा मतलब वहाँ पर टाइम नहीं ले पाया, लेकिन जो भी है जितना भी है बस वही। तो ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे और वीडियोज़ क्या जरूर डेली मेरे चैनल में। ये वीडियोज़ को देखने के लिए शुक्रिया। Have a nice day. Take care. Goodbye.